नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पे आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत, आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कि जो है एक नोटिस के तौर पर, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के तौर पर, जो कि आपको ये जानकारी जानना ही चाहिए। आप लोगों को ध्यान से और अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना होगा और लास्ट तक देखना होगा, मेरी हर एक बातों को सुनना होगा, केयर करना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं इसमें आज बताने वाला हूँ जितने भी स्टूडेंट जो है प्रेजेंट टाइम में जो है LLB या जो है BA LLB, मतलब जैसे कि अगर आप LLB या BA LLB में या आप लोग जो है LLM में, इन सभी कोर्सेज में अगर आप लोग जो है एडमिशन लेना चाह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि आपको पता होगा कि सारे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो है एडमिशन चल रहा है, तो एडमिशन बच्चे ले रहे हैं। तो जो BCI से नोटिस निकल के आ रही है ये कुछ कॉलेजेस से रिलेटेड है कि आप इस कॉलेज से जो है बिल्कुल ना जो है आप लोग चाहे LLB में या LLB ऑनर्स में या आप लोग जो है LLM में एडमिशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि जो है इसे जो है BCI ने जो है इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया, इसे जो है रिकग्नाइज नहीं करता BCI। ठीक क्या है कि अगर आप इस कॉलेज से ला कर भी लेंगे, डिग्री भी मिल जाएगी, सब कुछ जो है वो सर्टिफिकेट भी दे देंगे अगर कॉलेज वाले, तो आप लोगों का इसका मान जो है कहीं पर नहीं रहेगा, नेट पर शो ही नहीं होगा। ठीक, जान लीजिए जो है कौन कौन से कॉलेज है, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है। बहुत से बच्चे जो है सोच रहे होंगे कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि कॉलेज तो कहेगा ही कि मेरे पे एडमिशन लीजिए, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन देख करके लीजिएगा, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, सही से उसकी जाँच कराइए कि ये अप्रूवल है BCI से कि नहीं है, कि ऐसे ही फर्जी में डिग्री दे देगा फिर बाद में मेरे साथ दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो। ठीक, रजिस्ट्रेशन में तो ये जानिए जो है बार काउंसिल से रिलेटेड जो है ये न्यूज निकल के आ रही है। पहला कॉलेज आप लोगों का है जैसे कि HES ला कॉलेज जो है आगरा रोड जो है ईटा उत्तर प्रदेश में है। ये जो है आप लोगों का अफिलेटेड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। ठीक, इस कॉलेज से बिल्कुल मत करिएगा, इसमें आप एडमिशन ही ना लीजिए। ठीक, क्योंकि ये जो है BCI ने जो है इसे रिजेक्ट कर दिया, इसे रिकग्नाइज नहीं करेगा, इसे मान्यता नहीं दी है। ठीक, कुछ इनके कारणों की वजह से मान्यता दिया गया था, इसे जो है रद्द कर दिया गया है। अब ये लोगों की प्रॉब्लम है। अब दूसरा कॉलेज आप लोगों का है मास्टर सोमनाथ लॉ कॉलेज करके, जो कि ये भी जो है आगरा में ही है, तो इससे भी मत करिएगा। तीसरा नंबर देखिए श्री कृष्णा कॉलेज आप ला है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि जो है ये मेरठ में है, तो इससे भी बिल्कुल मत करिएगा। ठीक, मेरठ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। और चौथा कॉलेज जो है श्री जो है देखिए ईश्वर रेड्डी करके कॉलेज है आप ला जो है, इसमें भी आप लोग जो है बिल्कुल ना करिएगा। ठीक, ये आंध्र प्रदेश में है। देखिए पांचवा कॉलेज है श्री जो है शिरडी साईं जो है विद्या जो है आप लोगों का ये कॉलेज है, इससे भी आप लाभ मत करिएगा। LLB में एडमिशन या LLB 5 ईयर्स या जो है LLM में किसी में भी एडमिशन बिल्कुल ना लीजिएगा, इसे BCI जो है रिजेक्ट कर दिए। ठीक, BCI रिकग्नाइज नहीं करेगी, कर लेंगे फिर बाद में आप पछताएंगे, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। SS कॉलेज जो है आफला विलेज जो है आप लोगों का जो है मैनपुर जो है करके जो है, यहाँ से भी आप लोग जो है बिल्कुल ना करें। ठीक, इसके बाद देखिए जो है आप लोगों का जो है ये सब सारी चीज़ें थी, करीबन जो है 6 से 7 कॉलेज जो कि अब देखिए 7 नंबर कॉलेज है तेजू सिंह जो है आप लोगों का जो है ये कॉलेज है, मेमोरियल लॉ कॉलेज है, इससे भी आप लोग जो है लॉ की डिग्री ना ले, ना एडमिशन कराएं, नहीं आपके साथ दिक्कत हो सकती है। ये सब सारे कॉलेजेस हैं, करीबन 7 कॉलेज। देखिए ये BCI द्वारा जो है नोटिस है, देखिए इनके सेक्रेटरी द्वारा ये सिग्नेचर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। ठीक, जो सेक्रेटरी है यही जो है सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जारी करते हैं, तो इससे बिल्कुल ना करें। और जो अगर आप ला करना चाहते हैं तो आप अच्छे यूनिवर्सिटी से करें, वो भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, शंका हो रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अपने ये BCI से रिकग्नाइज है कि नहीं, अटैच है कि नहीं। ठीक, मेरा नंबर है 7985535991, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग पूछ सकते हैं, तब एडमिशन लें, आपके भविष्य की बात है। ठीक, आप अपना भविष्य बिल्कुल ना खराब करें, 3 साल 5 साल बर्बाद कर देंगे, 2 साल बर्बाद कर देंगे, फिर मिलेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कागज़ की डिग्री मिलेगी, वो भी उसका कोई मान नहीं रहेगा। ठीक, तो इसीलिए जो है आप इसी वक्त से सतर्क हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, थैंक यू, टाटा टेक केयर, बाबा बेस्ट आप लोग। ऐसे ही जो है अपडेट जानने के लिए आप लोग जो है लास्ट रिलेटेड तो मुझसे जो है जुड़े रहे, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक।